और आने वाली सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना स्वर्ग का वर्षा भी याद आएगा, और जिनको स्वर्ग याद रहेगा उनको जरूर शिव बाबा भी याद रहेगा। सिर्फ दो ही तो बात याद करनी है, बाप और वर्षा। बाप और वर्षे को याद करने का ये महामंत्र कितना श्रेष्ठ और कितना कल्याणकारी है। ऐसे विचार सागर मंथन करने वाले सदा हेल्दी रहते, आत्मा शक्तिशाली रहती। अगर मंथन नहीं तो गोया अनहेल्दी रह गए। सृष्टि के आदि पिता प्रजा पिता ब्रह्मा बाप ने संपूर्णता को प्राप्त किया। तपस्या के द्वारा, विशेष कर्म करते, श्रेष्ठ स्मृतियों के अभ्यास से ब्रह्मा बाप संपूर्णता को प्राप्त हुए। प्रजापिता ब्रह्मा जिन्हें स्वयं परम पिता ने अपनी नई दुनिया के निर्माण के लिए, जिन्हें अपना माध्यम चुना, निश्चित रूप से ये सृष्टि की वो पावन आत्मा है वो विशेष आत्मा है जिसने विश्व का कल्याण किया, विश्व की आत्माओं की पालना के निमित्त बने। ब्रह्मा बाप ने इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करते, जिम्मेवारियां निभाते हुए संपूर्णता को प्राप्त किया। कर्म छोड़कर सन्यासी नहीं बने, अभी तो कर्म करते करते शिव पिता को याद किया। ऐसी विशेष आत्मा जिन्होंने निश्चय के बल से, निश्चिंतता को प्राप्त किया, आज हम सब ब्राह्मण आत्माएं भी योग तपस्या के द्वारा उनकी विशेषता को फॉलो करेंगे,
मीठे बच्चे, तुम सभी के पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना। उनके जैसी ही संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। ऐसी ऊंची स्थिति का अनुभव करने के लिए साकार बाप के चरित्र और चित्र को सदा सामने रखो। जैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा पे संपूर्ण निश्चय था, निश्चय बुद्धि होने के कारण वो निश्चिंत रहे, आज हम भी अपने निश्चय के फाउंडेशन को अच्छे से चेक करके मजबूत बनाएंगे। आपसे बात करें, क्या मुझे अपने आप पर बाबा पर इस नाटक पर सब में पूरा निश्चय है? निश्चय बुद्धि आत्मा, कभी विघ्नों से भी घबराती नहीं, क्योंकि उन्हें ड्रामा पर पक्का निश्चय है। कोई भी विघ्न हमें मजबूत बनाने आता है। ब्रिकुटी सिंहासन पर अपने तेजस्वी रूप को देखें, और श्रेष्ठ चिंतन करें की मुरली पढ़ सकते हैं जी। कर दो मिनट।
एनीबडी रिमेम्बर डेट 24 कौन से थे 77 की चेरू भाई जी आप शेयर कर सकते हैं क्या? ठीक है मैंने ओपन किया। तो कल हमारा पार्टियों से जो बाबा की मुलाकात है वो पढ़ना रह गया था। मुझे शेयर करना है स्क्रीन। आप कर सकते कोई ओके प्रॉब्लम क्योंकि मुझे मुझे दिख नहीं रहा था इसलिए आई ओपन दी। नहीं। लेट मी शेयर। नोट्स इश्यूज नो अनेबल टू शेयर इट। ठीक है, कोई कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर। ठीक है थैंक यू। आटे से मिलाकर बाबा कह रहे हैं जैसे लौकिक में हथ के रचता कहलाए जाते हो वैसे ब्राह्मण जीवन में अपने को इस प्रकृति माया के रचता समझ करके चलते हो। वापस पढ़ते हो वैसे ब्राह्मण जीवन में अपने को इस प्रकृति व माया की रचता समझ करके चलते हो। रचता कभी भी अपनी रचना के वशीभूत अधीन नहीं होता। रचता अर्थात मालिक मालिक कभी अधीन नहीं होता अधिकारी होते हैं। 63 जन्म तो पिंजरे में रहे अब बाप आकर के पिंजरे से मुक्त करते हैं। जब मुक्त आत्मा बन गए फिर पिंजरे में क्यों जाए अर्थात बंधन में क्यों आए। निर्बंधन हो कभी कभी भी क्या करे माया आ गई चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। ऐसे तो नहीं बोलते या सोचते पुरुषार्थी है अभी थोड़ा बहुत तो रहेगा ही कर्मातीत तो नहीं है ये पुरुषार्थ हीन बनाने के संकल्प है। बाप द्वारा प्राप्त हुआ खजाना और उस खजाने के सुख व आनंद का अनुभव अभी नहीं किया तो सतयुग में भी नहीं करेंगे। सतयुग में बाप द्वारा यह खजाना प्राप्त हुआ है यह स्मृति इमर्ज नहीं होगी। अभी त्रिकालदर्शी ही बाप के सम्मुख हो फिर बाप वानप्रस्थ में चले जाएंगे। अभी जो पाना है वह अभी ही पाना है पा लेंगे नहीं। सारा दिन खुशी में ऐसे खोए हुए रहो जो माया देख भी न सके दूर से ही भाग जाए। जैसे आजकल की बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती जो मनुष्य नजदीक से दूर जाकर पड़ता शौक आता है ना ऐसे ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंक दे ऐसी करंट होनी चाहिए। लेकिन करंट किस में होगी जिसका कनेक्शन ठीक होगा। अगर कनेक्शन ठीक नहीं
तो करंट नहीं आएगी। तो यहाँ कनेक्शन का अर्थ है संबंध, शब्द का अर्थ यह नहीं जिस समय याद में बैठे उस समय कनेक्शन जुट जाता, लेकिन चलते फिरते हर सेकंड कनेक्शन जुटा हुआ हो। ऐसा अटूट कनेक्शन है जो करंट आए। पांडवों का टाइटल पद है विजयी, कल्प कल्प की विजयी है, यह पक्का है। यादगार देखकर खुशी होती है ना। रोज अमृत वेली बाप वरदान देते हैं, अगर रोज वरदान लेते रहो तो कभी भी कमजोर नहीं हो सकते। वरदान लेने के सिर्फ पात्र बनना, जो भी चाहिए अमृत वेले सब मिल सकता है। ब्राह्मणों के लिए स्पेशल विशेष समय फिक्स है, जैसे कितना भी कोई बड़ा आदमी हो लेकिन फिर भी अपनी फैमिली परिवार के लिए विशेष टाइम जरूर रखेंगे। तो अमृत वेला विशेष बच्चों के प्रति है, फिर विश्व की आत्माओं के प्रति। पहले चांस बच्चों का है, तो सब अच्छी तरह से चांस लेते हो, इसमें अलबेले नहीं बनना। माया जी बच्चों को देख बाप दादा को भी खुशी होती है, जो बार बार चढ़ते गिरते रहते हैं रहते, तो बाप भी देख रहम दिल होने कारण विशेष उन आत्माओं को रहम की दृष्टि से देखते हैं कि यह कब माया जी बन जाए। अच्छा तो कल हमने देखा कि बाबा ने स्वतंत्रता के ऊपर बात की, और हमने कल एक लिस्ट भी निकाली, कईयों ने अपनी अपनी चीजें बताई भी, शेयर भी की, और कैसे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो हमें बांधते हैं। लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है और होगी, लेकिन उसमें कैसे हम डीप जाए, हम कैसे उस एक एक चीज को तोड़ सकते हैं, वो कल हमने थोड़ा सा अभ्यास किया। तो अभी जब ये पढ़ते पढ़ते अचानक मुझे याद आया कल का पॉइंट, वहां से ही हम स्टार्ट करते हैं कि बाबा ने कहा है कनेक्शन, और कनेक्शन सिर्फ योग के समय नहीं, जब स्पेशली याद में आकर के हम बैठते हैं तब कनेक्शन जुटे, बाकी के टाइम वो नहीं है। तो ये स्पेशली जो बाबा ने बात कही है उस पर मैं थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहूँगी। कल मुझे लास्ट में किसी ने प्रश्न पूछा था, हमने एक डिस्कस किया था उस पॉइंट पे कि मोह को ये वो अगर हो तो प्लीज बी ऑनलाइन, कि उन्होंने कहा था कि विधि क्या हो सकती है, तो जी ओम उसमें शांति दीदी। हाँ मैंने ही जी पूछा था हाँ दीदी। जी थैंक यू फॉर कमिंग ऑनलाइन। तो एक हमने उस पर एक ये किया था कि जब भी हम कोई विचार करें, जब भी हम कोई एक्शन करें, जब भी हम किसी भावना में आए उस व्यक्ति के प्रति, उस आत्मा के प्रति, तो हमें ऑब्जर्व करना है। आई होप यू रिमेम्बर, सभी के लिए एप्लीकेबल है पर उनका स्पेशली था इसलिए उनसे उनको कह रही हूँ। तो जी हाँ आपने आज उसको किया, ये मेरा प्रश्न है, या आपने थोड़ा सा अटेंशन उस पर दिया? जी दीदी किया तो था। हाँ, एकदम से नहीं होगा लेकिन उस पर सारा ध्यान रहा आपका, दिन रहा दीदी, सारा दिन ग्रेट, ही। तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये जो सारा दिन रहा, इसका अर्थ क्या है? ये है जागृतता, दैट इज अटेंशन, जिसको बाबा अटेंशन कहते हैं। तो ये जागृतता किस बात की हो आ गई? तो ये जागृतता है कि मैं कौन। तो जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट मीन्स आई एम अटेंटिव, तो मैं ऑब्जर्वर, इसलिए मैंने कल लास्ट का पॉइंट साक्षी और साक्षीपना या दृष्टा का जो इंट्रोडक्शन है वो दिया था,
कि आई एम ऑब्जर्विंग. सो हाउ आई एम ऑब्जर्विंग, आई एम ऑब्जर्विंग माई ओन थॉट्स, मेरे अपने विचार, मेरे मेरे अंदर कैसी भावना उत्पन्न हो रही है, मेरे अंदर किस तरह के विचार आ रहे हैं, मैं अगर एक्ट कर रही हूँ उस समय क्या है. हो सकता है कि एक्ट हो जाए उसके बाद ध्यान आए, लेकिन एक एक वो समय भी आएगा कि एक्ट करते समय हम जागरूक हो और हमारे एक्ट भी गलत ना हो, यहाँ तक का. तो ये जो जागरूकता है उसको ही बाबा ने पहले अटेंशन कहा हुआ है, और उसका ही संबंध कनेक्शन से है. मतलब क्या कि जो बाबा कहते हैं कि चलते फिरते, तो चलते फिरते मतलब क्या कि जब मैं अपने उस ऑब्जर्वेशन में, उस ऑब्जर्वर स्थिति में, उस आत्म स्थिति में, उस आत्म भाव में, उस आत्मा की याद में, अपनी अपनी स्वयं की स्मृति में आऊंगी, तब वो आसान है सब चीजों को करना. जैसे आपने आज अभी कहा कि मेरा सारा दिन रहा, तो मतलब क्या वो आत्मभाव भी जागृत रहा, हाँ या ना? जी दीदी, यही लग रहा था कि मोहजीत बनना है, बाबा से कैसे बात करनी है। सारा दिन आज बाबा से ही बात होती रही इसके लिए। तो वो जो अटेंशन है वो अब वो बढ़ता जाता है, और उसको बाबा ने चलते फिरते याद रहा. तो जब मैं इसमें अटेंटिव हूँ तो इट इज हाईली पॉसिबल, और इट इज श्योर कि हमारा फिर आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन है और रहेगा. तो अपने आप वो जो विचार है वो प्योरीफाई होंगे, एक्शन प्योरीफाई होंगे, जी, इंटेंशन, भावना, सब चीजें जिसको बाबा इम्प्रूवमेंट भी चलते दिखने लगी फिरते. है टेंशन रखने से। सारा दिन अटेंशन रखने से शाम तक आते आते कुछ हल्कापन, कुछ इम्प्रूवमेंट भी दिखने लगी। और वो यही प्रैक्टिकल है जो मैं आप सभी को कल बताना चाहती थी, और मेरा भाव आप लोगों को वो कहने का वही था, और ये पॉइंट आया इसलिए मैंने वापस उस बात को छेड़ा. तो ये प्रैक्टिकल चीज है जो करनी है, और ये है ऑब्जर्वर, ये है साक्षी. तब वो साक्षी हो सकेंगे, तब तक नहीं हो पाएंगे. ये नहीं तो ये बोलने तक रहेगा कि मैं साक्षी हूँ, उसका उल्टा अर्थ हो जाता है कि जो हो रहा है बस, हाँ भाई मैं साक्षी हो गया. ऐसे नहीं, साक्षी और दृष्टा का जो जो आंतरिक अर्थ है बहुत गहरा है, और उसकी प्रैक्टिकल रूप में क्या चीज है वो मैं आपको बताना चाहती थी. वो आई होप आई ट्राई माई बेस्ट टू टेल यू. ठीक है, तो लेट्स गो फॉर दी नेक्स्ट पॉइंट्स. एज पर यस्टरडे हर कोई अपना एक एक पॉइंट कहेगा, पूरी मुरली में से भी अगर कुछ याद आ रहा है तो भी, जिसपे हम कुछ डिस्कस कर पा सकते हैं, एंड देन वी विल स्टॉप अगर आपका कुछ और अलग होगा तो. जो भी जी अटैचमेंट वो उससे भी हो सकता है ना, कि जब भी वी हैव फियर ऑफ रिजेक्शन और फियर फियर ऑफ जजिंग कि कोई यस मुझे गलत कर रहा है, तो वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सी फियर ऑफ रिजेक्शन और फियर ऑफ व्हाट यू सेड, गेटिंग जज्ड। फियर 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 रिजेक्शन, इसका संबंध अटैचमेंट से नहीं है. थोड़ा सा अपने अंदर डीप जाए, हर कोई जाए कि इसका संबंध किस चीज से है. लोक लाज हो सकता है ना इसमें, लोक लाज की लोकलाज वजह हो से है। सकता है, जी लोकलाज कारण है. और जी अंदर जाइए, यस फियर ऑन द राइट पाथ, और अंदर जाइए, ये हमारा चिंतन है. और क्या हो सकता है? देर इज अ डीप कि डीप इनसाइड कोई ये अपनी हमें कमी बुरा कह कमजोरी रहा है। होती है ना. यस यस जी इट इज कमी कमजोरी. और जी कोई कोई और एक कोई कह रहा था. दीदी, कोई हमें रिजेक्ट करता है तो हमें बुरा लगता है, तो उसका कारण है वो हमें बुरा, हमारी इमेज बुरी कह रहा है। यस दैट इज नाउ यू आर ऑन द राइट पाथ. इट इज इमेज जो हमने आंतरिक लेवल पे अपनी इमेज बनाई है. ओके सी हाउ हाउ इट इज, वो इमेज को हम ब्रेक नहीं होना दे होने चाह देखना नहीं चाहते हैं.
एंड दैट इमेज इज नथिंग बट इट इज योअर क्रिएशन एंड इट इज अ फॉल्स थिंग फॉर अस. ये फॉल्स है, ये झूठ है और इसको ही इल्यूजन कहा है, ये माया है. तो ये इमेज अगर ब्रेक हो रही है, फॉर एग्जाम्पल, एक तुरंत एक एग्जाम्पल मेरे सामने आया कि आप अगर देखेंगे कि किसी को कोई एक बड़े पोजीशन पे है, ओके, अपने तो वो पोजीशन जो है, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में है, किसी बड़े पद पे है, तो वो पोजीशन जो है वो उसका रोल है, पर उसने अपनी आइडेंटिटी उसी के साथ जोड़ी हुई है कि मैं ये हूँ, ये मैं हूँ, तो उसको ये मेरी आइडेंटिटी उसने बनाई, ये मैं हूँ, जबकि मैं वो नहीं हूँ, ये मेरा रोल है. और जब इसे जो अहम निर्माण हुआ है, जो एक इमेज निर्माण हुई है, उसको मैं धक्का नहीं लगाना चाहती हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग विच जिसके वजह से मैंने अपने आइडेंटिटी को निर्माण किया है, वही अगर उसको ही धक्का लग जाए तो फिर मेरा कुछ रहता ही नहीं. तो वो चीज फिर वहां पे जब धक्का लगेगी तो वी दैट फियर स्टार्ट्स. और ये है इल्यूजन. इस इल्यूजन के साथ हमें नहीं रहना है, और ये बहुत बड़ी इल्यूजन हम कई चीजों में कैरी कर रहे हैं, ना संबंधों में है, जैसे कि हमने कल योग किया कि माता पिता बंधु सखा पति पत्नी, ये सारे रोल्स है, ना कि ये मैं हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है. आगे और जाओ कि पद पोजीशन है किसी चीज की, ये मेरे रोल से, मैं भले किसी कंपनी में सीनियर इंजीनियर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं CTO हूँ, CFO हूँ, CEO हूँ, बट दैट इज माई रोल, इट इज नॉट मी. क्योंकि जब वो छूट जाता है तो आप खाली हो जाते हो और वो आत्मा सहन नहीं कर पाते फिर, क्योंकि उसने अपने आप को इस चीज से आइडेंटिफाई किया है. वो इतना बड़ा इल्यूजन हम लोग कैरी कर रहे हैं अपने साथ, जो माया है, जिसकी वजह से हमने अपने अंदर अपनी स्वतंत्रता खोई है. सो माया क्या है? ये झूठ है. इस चीज आज ही बाबा की साकार वाणी में था कि झूठी झूठा सब संसार, वो बाबा का बहुत पेटेंट महावाक्य है. तो झूठ मतलब क्या? वापस उसी योग में आए जो हम कल अभ्यास कर रहे थे, बी एवरीबडी अटेंटिव एंड रेडी, कि मैं कौन, मैं क्या, मैं फलाना अपना नाम सामने आए ये मैं हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ, या इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ? क्वेश्चन योर सेल्फ, अपने आप से पूछे. और थोड़ा सा आगे बढ़े, क्या मैं किसी की पत्नी हूँ, पति हूँ, या मैं इस देह के द्वारा ये रोल्स किसी के साथ निभा रही हूँ? और आगे चले, वही संबंध भाई बहन, किसी के दोस्त, किसी का बॉस, कहीं पर एम्प्लॉई है, तो ये सारे रोल्स मेरे हैं, ना कि ये मैं हूँ. सो आई एम डिफरेंट, आई एम दैट लाइट हुज प्लेइंग दिस रोल थ्रू दिस बॉडी. मैं इस देह के द्वारा, मैं आत्मा इस रोल्स को प्ले कर रही हूँ, अदा कर रही हूँ, निभा रही हूँ. और आगे चले, पूछे अपने आप से, हाउ आई सी माई सेल्फ, मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ, हाउ आई सी माई सेल्फ, मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ, क्या मैं अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करती हूँ, तुलना करती हूँ? क्या मैं अपने आप को हमेशा नीचा समझती हूँ? How I see myself?
कुछ उत्तर आ रहा है। नाउ गिव द थॉट टू योर सेल्फ, अपने आप को विचार दे कि असल में मैं तो आत्मा हूं, ज्योति शक्ति, द इटर्नल लाइट, इमॉर्टल लाइट। मैं अविनाशी ऊर्जा हूँ, ये मेरी स्वयं की पहचान है, आइडेंटिटी है। तुलना किस बात की? हाउ आई सी माई सेल्फ एंड हाउ आई सी अदर्स, मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ और मैं मेरे संबंध संपर्क में आने वालों को कैसे देखती हूँ? क्या मैं उनको भी आत्मस्वरूप में देखती हूँ या उनको भी देह के आधार पर पहचानती हूँ? क्या मन में आता है सामने लाए अपने अंदर? क्या मुझे किसी ने की हुई बातें, मेरे साथ किया हुआ व्यवहार, मेरे साथ की हुई एक्ट, ये याद आता है या मैं इससे ऊपर हूं? कैसे देखती हूं मैं? स्वयं को वापस विचार दे कि मैं तो आत्मा हूं, जैसे मैं इस धरती पर इस देह के द्वारा रोल को अदा कर रही हूं, इस नाटक में, इस ड्रामा में, वैसे सामने वाला भी एक आत्मा है, अपने रोल को अदा कर रहा है। वापस अपने आप को ऑब्जर्व करें, क्या विचार आ रहा है, क्या लग रहा है? किसी व्यक्ति के फिर भी बातों में, व्यवहार में मेरा मन उलझा हुआ है क्या? जस्ट ऑब्जर्व। सिर्फ देखते रहे, लेकिन उस आए हुए किसी भी विचार के साथ मैं तादात्म्य ना करूं, अटैचमेंट ना करूं, उससे जुड़ू ना। जस्ट सी योर सेल्फ। कम बैक। ओम शांति। आई होप सबने कई चीजें सामने आई होगी, और यह अभ्यास है स्वयं को देखने का, यह अभ्यास स्वयं के साथ जुड़ने का। आत्मा, आत्मा का ये जो स्थिति लाना है, आत्मा का अनुभव करना, आत्म स्थिति में आना, ये इस तरह का अभ्यास हमें मदद करेगा और अपने आप हम परचिंतन और परदर्शन से दूर जाते हैं। और जितना इस ऐसे अभ्यास में आएंगे उतना हमें मजा आने लगेगा। फिर जो सेल्फ कनेक्ट से हम बाबा के साथ फिर कनेक्ट हो सकते हैं, तब तक नहीं। तो हमने ये कई ऐसे बंधन देखे जो अभी भी हमने जो अभ्यास किया उसमें कई कई चीजें, कई कई बातें, बातों का जो बंधन है, हम कैसे अपने आप को देखते हैं, क्या क्या चीजें हैं, कहाँ कहाँ पे वर्क करना है, ये समझ में आएगा। ठीक है, इस पर किसी को और कुछ पॉइंट्स है? जी सिस्टर, एक तारा सिस्टर करके है, उनका भी एक क्वेश्चन है बहुत दिन से। क्या ठीक वो है, तो पूछे? आउट ऑफ मुरली तारा सिस्टर। मैं कहूंगी एक पहले इस पर किसी का कुछ है तो
देख लेते हैं बहन जी, अगर किसी का कुछ नहीं है तो देन वी विल टेक दैट क्वेश्चन। वो बेस्ड अपॉन योगी है, जैसे आप अभी योग करा रहे थे हाँ जी, उस हाँ जी, इसलिए। या नो इश्यूज। पहले एक जस्ट 2 मिनट, एनीबडी हैव एनी पॉइंट्स टू डिस्कस और पॉइंट्स टू पुट अप इन फ्रंट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन दिस? जो अभी मैंने क्वेश्चन किया था, फियर ऑफ रिजेक्शन, तो जी फिर फियर ऑफ गेटिंग जज, वो दोनों सेम ही है? वैसे कहा जाए तो हर ऊर्जा एक एक दूसरे का रूप है, लेकिन मैं अभी इसमें नहीं जाऊंगी। अभी आप उसको एक ही देखो कि जज जज करना मतलब क्या है, और फियर फियर किस चीज से आता है हमने डिस्कस किया, राइट? जहाँ पे भी जो कहीं पर भी जो फॉल्स चीज है उसको हमने का पकड़ के रखा है एंड वी डोंट वांट टू लीव इट, वहां पे फियर आएगा, वहां पे भय आएगा। जैसे एक एग्जांपल था आइडेंटिटी का, उसमें वही कई कई ऐसी चीजें हो सकती है जो हमें उसकी आंतरिक लेवल पे जाकर हमको उस पर उसको देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी बातें। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल आइडेंटिटी का दिया था। क्योंकि और जज क्या है, जजमेंट्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय जज? आई थिंक कहीं पे डिस्टरबेंस आ रहा है। यस सॉरी, ओके, नो इश्यूज, ओके। किसका क्वेश्चन था? व्हाट डू यू मीन बाय जज हियर, जजिंग अदर्स? नहीं, somebody else, दूसरे लोग हमें जज करते हैं। ओके ओके, लोग हमें जज कर रहे हैं एंड यू आर सीइंग दैट, वी आर सीइंग दैट, वी आर एक्सपीरियंसिंग इट। ओके, लेट मी पुट इन दिस वे, अगर कोई जज कर रहा है, हाउ डज इट मैटर टू मी एंड व्हाई डज इट मैटर टू मी? कम्स बैक टू द सेम इमेज का ही आएगा ना, आई थिंक। एग्जैक्टली, इट इज नथिंग बट इमेज, इट इज नथिंग बट इमेज। इसके लिए हमें कई बार कई प्रैक्टिकल जो चीजें हैं इसको गहराई से समझना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, पता नहीं मुझे एक क्लिक क्यों हो रहा है, बट आई वॉन्टेड टू पुट इन दिस वे कि कोई जज कर रहा है मुझे और दे आर नॉट गिविंग दैट रिस्पेक्ट टू मी, ओके, बिकॉज ऑफ सम रीजन। लेट 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 कंसिडर इन दिस वे, एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे जो रिस्पेक्ट चाहिए वो मिल नहीं रहा है। एंड ऑफ कोर्स सेम, इट इज एवरीथिंग इज लिंक्ड। अगर आप अभी राइट राइट पाथ पे हो, सो यू कैन सी हाउ द थिंग्स आर लिंक्ड टू इच अदर। अब मैं इसको कैसे देखती हूँ, लेट मी पुट अप कि जगत को देखना, देखने की एक दृष्टि चाहिए हमारे पास, जो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें दृष्टि देने आया हूँ, और ये दृष्टि है ज्ञान के द्वारा। तो अगर मैं रिस्पेक्ट मांग रही हूँ, ओके, तो जाहिर है मेरे साथ जो है उनको भी रिस्पेक्ट चाहिए, हाँ या ना? हाँ, राइट, यस, सबको चाहिए, सबको सबको। चाहिए। यस यू आर करेक्ट, मेरा नेबर भी रिस्पेक्ट मांगेगा, मेरे कलीग भी रिस्पेक्ट मांगेंगे, मेरे घर वाले भी रिस्पेक्ट मांग रहे हैं, मेरे ये भी जो जो मेरे साथ है वो भी रिस्पेक्ट मांग, और मैं भी मांग रही हूँ। तो जो एक दूसरे के सहयोगी बन सकते हैं, यहाँ पे देखो कैसा है, कैसे दुनिया का दस्तूर है, वो क्या करेंगे, साथ में मिलकर जो आगे जा रहा है, जो रिस्पेक्ट मांग रहा है, उसको नीचे खींचेंगे, खींचेंगे या नहीं खींचेंगे, हाँ या ना? तो उसमें जजिंग होगी, उसमें क्रिटिसिज्म आएगा, उसमें कई बातें आएंगी, और ये दुनिया का दस्तूर है, तय है, क्योंकि जो आप मांग रहे हो
जो आप कह रहे हो सारी दुनिया मांग रही है, तो क्या होगा? कुछ तो होगा ऐसा, हाँ या ना? एबल टू विजुअलाइज? यस जी यस। तो ये जो दुनिया का दस्तूर है, इसमें हम क्यों अटके? तो जिसको जज करना है वो भले जज करे, जिसको क्रिटिसाइज करना है वो भले करे। उसके वजह से मैं अपनी आंतरिक इमेज क्या है वो देखकर उसको धक्का ना लगाने दू, उसको उस वो क्यों मैं स्थिति को बिगाड़ू और उस इमेज को बिगाड़ू। पर अगर हमारी ही आंतरिक इमेज किसी फाल्स चीज पे, किसी झूठी चीज पे खड़ी है, तो डेफिनेटली उसको धक्का लगेगा, डेफिनेटली। पर अगर वो किसी झूठी चीज पे खड़ी नहीं हो, उसका जो बेस है वो झूठ पर खड़ा ना हो, जिसको बाबा कहते हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, तो जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है, जो ट्रुथ क्या है उस पर है, तो मुझे इन सब चीजों को मैं सिर्फ देखूंगी, पर मेरी आंतरिक चीजें इस पर डिपेंड नहीं है, वो हिलेगी नहीं। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन व्हाट इज दैट। मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण दे के इस चीज को एम्फसाइज करने की कोशिश की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इज दैट क्लियर? लिटिल बिट डैडी दीदी लिटिल दैट्स ग्रेट। तो इस पर और गहरा चिंतन कीजिए और अंदर जाइए, एंड देन तो यही है जो बाबा कहते हैं कि ना कि दूसरों को देखना, अपने को देखना। और यहाँ है जहाँ पे हमें अपने अंदर, मुझे फिर मेरा वो जो फॉल्स चीज है जिसके वजह से मुझे हर्टिंग फील हो रही है, जिसकी वजह से फीलिंग, मुझे मेरे अंदर फीलिंग आ रही है, उस चीज पर मुझे वर्क करना है, नॉट टू गो एंड चेंज अदर्स, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि हर दुनिया में हर कोई वही चीज मांग रहा है, वही हो रहा है, तो सो इसलिए तो इसका मीनिंग है कि आई हर्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली, एंड दैट इज वाई, यस नाउ यू आर ऑन करेक्ट पाथ, यस, एंड दैट्स वाई बाबा ने क्या कहा है, अगर आप सामने आएंगे तो बाबा ने कहा है, रचना रचता अर्थात मालिक, मालिक कभी अधीन नहीं होता है। तो अगर इफ दैट इज व्हाट, जिसको मालकियत जो बाबा कहते हैं राजा, तो पहले स्वयं के इस चीज का राजा हमें बनना पड़ेगा। तो आई एम अलाउिंग दोज थिंग्स विद इन मी एंड आई एम हर्टिंग माई सेल्फ, इसलिए ये भी एक इल्यूजन है कि हमें लगता है सामने वाला मुझे दुख दे रहा है। बेसिकली सामने वाला दुख नहीं दे सकता है, और दिस इज फ्रॉम लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड व्हेन आई वेंट थ्रू मच पेन आई रियलाइज इट, एंड दैट्स व्हाई विद दिस एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू। कि जैसे अगर मैं कि आज सबको एक क्वेश्चन करूं कि क्या आपको लगता है कि सब आपको आनंद और सुख देते हैं, तो कई बोलेंगे नहीं। तो अगर सामने वाला हमको सुख नहीं दे सकता, तो वो दुख भी कैसे दे सकता है? नहीं देता है, रादर इट इज यू आर द वन हु इज क्रिएटिंग इट। तो हम मालिक नहीं है इसका अर्थ, ये यही यही मालकियतपन है, यही 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 मालकियत और राजा बनाने बाबा आया हुआ है। ये पहले आंतरिक स्थिति है, और वो हर्टिंग मैं अपने अंदर अलाउ कर रही हूँ, उस पर विचार मंथन कर करके, दैट इज वॉट, वो मेरा वो मेरी रचना है, वो मेरी मेरा निर्माण है, और वो मैं गलत दिशा में जा रही हूँ। अब सही निर्माण करो जो बाबा कहते हैं, और वो ज्ञान के आधार पर है, राइट? दीदी। आपने बहुत अच्छा कहा कि सामने वाला अगर सुख नहीं दे रहा है तो वो दुख भी नहीं दे सकता है। नहीं आई नेवर दे थॉट सकते। अबाउट दैट। या एंड थिंक अबाउट, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि यही इल्यूजन है हमारे सामने। हमें लगता है इसने किया, उसने किया, ऐसे किया, इसने उसने ये किया, नहीं उसने किया है, लेकिन आपने आंतरिक लेवल पे क्या किया, ये हम जब देखना स्टार्ट करेंगे तो हमें समझ में आएगा। इसलिए बाबा कहता है, बाबा की एक लाइन है, सुख दुख ना दो तो ठीक है, दुख ना लो, ये जो चीज है इस पर काफी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होनी चाहिए, एंड दिस इज हाउ आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू।
एंड दैट इज व्हाट आंतरिक स्थिति है, वो मालकियत है वो, तो तभी तो हम मालिक बनेंगे. बाबा को मालिक क्यों बनाया है, मालिक क्यों कहा गया है, ईश्वर को मालिक इसलिए कहा गया है कि इट इट इज ही नोवेयर अफेक्टेड फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, वो उसकी स्थिति है और वो हमें उस तरीके से हमें भी बनाने आया है. तो हम अगर ये बार बार इन चीजों के अंदर आ रहे हैं, इसका मत अर्थ हम स्लेव है, हम मालिक नहीं है और हमें वहां जाना है. तो ये दैट यू रियलाइज इज अ वंडरफुल थिंग. आई होप इट इज हेल्प टू एवरीबडी. यस दीदी, ये जो सेंटेंस आपने बोला ना, सामने वाला अगर सुख नहीं दे रहा है तो सामने वाला दुख भी नहीं दे सकता, तो ये अभी छप छप गया है छप गया, एंड दैट इज व्हाट द सेकंड, वो छप गया तो फिर आप उसी दिशा में अंदर आपका पुरुषार्थ चलेगा. दैट इज व्हाट दैट सेकंड ऑफ वेर यू रियलाइज ओ यस, एंड देन आपका पुरुषार्थ उसी दिशा में जाएगा. ओके, लेट्स थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू. थैंक्स टू बाबा, वेलकम. दीदी आपका परिचय देंगे जरा प्लीज. क्या परिचय चाहिए मेरा? I mean, are you connected to any, are you a surrender sister? No, I'm not a surrender sister. मैं लौकिक में मेरे माता पिता के साथ रहती हूँ. हाँ, पर मैं सेंटर के पास ही रहती हूँ. प्रोफेशनली आई एम अ आईटी इंजीनियर एंड आई एम हैविंग 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोफेशनल दैट इज इन आईटी एज वेल एज फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स आई एम इनटू बाबास नॉलेज. और सिंस लास्ट 2 इयर्स मैं समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हूँ एज आई लेफ्ट माई जॉब इन जनवरी 2022. तो मैं जहाँ पर भी मौका है आई लाइक टू शेयर माई वॉट एवर माई एक्सपीरियंस एंड वॉट एवर इज विथ मी. और इस लास्ट 2 ईयर में मैं उसी तरीके से सेवाएं दे रही हूँ. दैट इज वॉट इज एंड आई स्टे इन पुणे निगड़ी कनेक्टेड टू GPO. ओके, थैंक यू. ठीक है. ओम शांति दीदी, एक मेरा भी प्रश्न है, मैं पूछ सकती हूँ? टाइम है अगर तो. यस प्लीज. हाँ, इसी रिलेटेड है. हाँ जी, मेरे साथ है कि जैसे बाबा की मुरली में आता है ना, आपको ज्ञान में पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है तो आपको रेस करना है ना, लेकिन रेस नहीं करना है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जैसे पुराने हैं या कोई नया बच्चा आया, नई आत्मा आई और वो ज्ञान में हमसे आगे जा रही है, तो रेस करते करते कभी कभी रेस हो जाता है. मतलब योग में बैठते तो हमें लगता है वो हमसे आगे बढ़ रहा है, या हम जब पुलिस पढ़ने बैठते हैं या दीदी क्वेश्चन करती तो हमसे पहले कोई और जवाब दे दे. क्योंकि मुझे मेरे मन ने ऐसा अहंकार के बस डाल दिया कि मैं पुरानी हूँ, मुझे ज्यादा आना चाहिए, तो उससे अपने मन को हम कैसे दूर करें. मुझे आप आत्मा हो, आप आत्मा हो, आप पुराने नए नहीं हो. दैट इज द सिंपल. हाँ जी, राइट. अच्छा, मतलब यस. और ये जो है ना, हम 25 साल, हम 40 साल, हम 15 साल, हम 10 साल, ये जो ये भी देखो, ये किस तरह का फॉल्स हमारे अंदर बैठता है, जो सीट. इसलिए मुझे कभी अपना परिचय देना भी पसंद नहीं है. और ये मैंने बहुत स्ट्रिक्टली अभिजीत भाई जी को बताया था. या वो फाउंडेशन कमजोर है. एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सिस्टर. बट यू नो, सी द थिंग्स कि कैसे हमारे अंदर वो चीज बैठ जाती है और हम उससे अटैच्ड है. बट मैं आत्मा हूँ. और जहाँ आत्म स्थिति आई, जहाँ आत्मा की लाइट स्थिति आई, वहां पे ये सारी चीजें वैनिश हो जाती है. एंड यू विल सी, बिकॉज आत्मा का अपना स्वरूप लाइट है. आई एम दैट लाइट. तो लाइट माना दो चीज, दैट इज द प्रकाश और दूसरा है हल्कापन. जैसे उस उन्होंने आज कहा कि मैं पूरा दिन हल्की रही, मेरा ऑब्जर्वेशन रहा, अटेंशन रहा, पर मैं हल्की रही. बिकॉज वेन आई एम इन माई स्टेट, मैं हल्की हूँ. और देहभान क्या है? देहभान इज नथिंग बट ग्रेविटी. देहभान मतलब गुरुत्वाकर्षण. क्योंकि देह भौतिक है और इस दुनिया के जो भौतिक के जो रूल्स है, जो कायदे है, वो हमारे ऊपर भी लागू होते हैं. तो वो हमें खींचता ही है.
और बाबा हमें उससे ऊपर, उसके उल्टे ऊपर लेना लेकर जाना चाहता है, दैट इज देही अभिमान, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट। ओके, तो इसलिए ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है, ऊपर उठना है। तो ऊपर उठना मतलब कितना फोर्स लगना पड़ेगा, तो वो लाइट रहने का सिंपल आधार है। कितना सिंपल चीज बाबा ने कहा, आत्मा बन, मुझे अपने को आत्मा समझो, फिर बाबा को याद करो। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे आपने मुझे जो आंसर दिया उसके हिसाब से लग रहा है कभी कभी ये क्वेश्चन उठना भी अच्छा है, हम पुरुषार्थ में अरे कभी कभी नहीं सिस्टर, कभी कभी नहीं, इट इज एवरीवन हैज टू गो थ्रू इट। पर जब हम ये चीज देखना स्टार्ट करें, दैट मीन्स हमारी उन्नति हो रही है। हाँ जी, बहुत बहुत बाबा का और आपका भी थैंक यू। अब उस पे वर्क करना है, बस आत्मा समझना है। जी धन्यवाद आपका। अभी का जो तारा बहन है उनका क्वेश्चन है वो, लेट्स टेक दैट। जी ओम शांति। तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, कल्पा ट्री के ऊपर है। तो जी, तो दो है, एक है ऊपर से है और एक है नीचे से। जो एक जो ऊपर से है निराकार है, जैसे शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है, और हमें वहां से ज्ञान और शक्तियां लेकर के फिर हम वाइब्रेशंस देते हैं। ऊपर से वो कल्पाट्री होता, फिर एक नीचे से होता है जो जड़ों में बैठ करके हम सींचते हैं, वो साकार से और देवी गुण धारण करते। तो ब्रह्मा बाबा से यहाँ हम उसके साथ बैठते हैं नीचे से। तो उसका हम डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज कंपेयर करना चाहते हैं, कंपेयर ऐसे नो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस देखना चाहते हैं ऊपर से और नीचे से कल्पाट्री का। हमारे पास उतना टाइम नहीं है। जी जो कुछ भी है, थोड़ा कुछ भी जिससे हमें और हमें क्लेरिफिकेशन मिल जाए थोड़ा, यू नो मुझे थोड़ा मुझे बिल्कुल। ये समझना ज्यादा अच्छा लगेगा सिस्टर, कि व्हाट इज योर कंफ्यूजन इन दिस, लेट मी फर्स्ट पुट अप माय इन दिस। माय माय कंफ्यूजन इज फ्रॉम अबव, शिव बाबा से हम शक्तियां लेकर देते हैं और नीचे से हम, क्या ये सही है कि नहीं ये नीचे से नहीं, आपका दैट इज व्हाई आई आस्क यू बेसिकली, I'm very confused. That's why I want the clarification. इट इज द रिप्रेजेंटेशन सिस्टर। ओके, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन। जो कल्प वृक्ष दिखाया, आप नीचे से बैठे हो और ऊपर से, ऐसा नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आप बीज जो है, बाबा कहते हैं बीज जो है वो ऊपर है। लेट मी पुट अप इन बाबाज लैंग्वेज ओनली। तो बीच ऊपर है मतलब क्या, कि आत्मा कहाँ से आती है? आत्मा परम धाम से आई है, राइट? ये क्लियर है आपको? जी आत्मा परम धाम से आई है और साकार वतन मीन्स दिस कॉर्पोरियल वर्ल्ड जो भौतिक 3D। ओके, तो 5D से 3D में आई आत्मा, यहाँ आई और यहाँ आकर पाठ बजाती है। ठीक है, तो बीच के साथ जो अन्य आत्माएं हैं, ओके, वो भी पाठ बजाती है बाबा के साथ। कौन से समय में? संगम युग में, राइट? जी जी, तो जी वो रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए एक वृक्ष का आधार लिया है, जस्ट अ प्रतीक, सिंबालिक, और उस वृक्ष के जड़ में इसलिए बाबा दिखाए हुए हैं। हाउ टू अंडरस्टैंड इट इन दिस वे, राइट? अन्यथा जो बीज है वो ऊपर है, पर हर एक आत्मा यहाँ पे आती है, अपना कार्य करती है, अपना यादगार क्रिएट करती है, अपना अपना रचना, दैट इज क्रिएशन करती है, जो अभी हमने मुरली में देखा, और वो पढ़ता जाता है, दैट इज वो विस्तार को पाता है, इट्स एक्सपांडिंग, एंड दैट एक्सपांडिंग एक्सपांशन इज नथिंग बट झाड़ फैला रहा है, जिसको बाबा कहते हैं झाड़ बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है।
ओके, बट इट इज इन साकार दुनिया, दैट इज इट कॉर्पोरियल बॉडी, भौतिक दुनिया में. पर अब इसको दिखाएंगे कैसे, हाउ इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंटेड. इसलिए वो झाड़ झाड़ जो है वो ट्री दिखाया है, और उसके तने में, उसके पूरे नीचे में वो बिठाए हुए दिखाए है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, विजुअलाइज इट. जी ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड द टाइमिंग. जी दीदी, तो फिर कोई ऊपर और नीचे का ये नहीं है, इट्स ऑल ओनली फ्रॉम अबव ना, बाबा बीच है और हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आत्मा यस रिप्रेजेंट करते हैं. यस, और और ये जो चीज है वो नीचे होगी, इसलिए बाबा कहते हैं उल्टा कल्प वृक्ष. उल्टा क्यों? बिकॉज उसका जो विस्तार है 3D में, ओके, भौतिक दुनिया में, वो यहाँ पे है, राइट? जो ब्रह्मा से स्टार्ट होता है, जो ब्रह्मा बाबा से स्टार्ट होता है, और ब्रह्मा से ब्राह्मण, ब्राह्मणों से और जगह फैलता जाता है, दैट इज उसका विस्तार, उसका एक्सपांशन, जो 3D में है. ठीक है, जी, थैंक यू दीदी, आपने एक्सप्लेन किया. शैल वी स्टॉप हियर? ओम शांति. एक्सक्यूज मी, जी ये आपने जो आइडेंटिटी के ऊपर बताया, मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वैसे तो एक ऊपर के लेवल में तो समझ में भी आया था, लेकिन आज थोड़ा गहराई में समझ में आया कि जो रिलेशनशिप्स है हमारे और जो पोस्ट और पोजीशंस होते हैं दुनिया के अंदर, वो हमारी रोल की आइडेंटिटी है, तो यस हमारी आत्मा की आइडेंटिटी नहीं. जी, यस तो ये दोनों को अलग अलग रखना है ना, है ना, तो यस हम यही आत्मा की अभ्यास है. आइडेंटिटी को अंडरलाइन कर सकते हैं. यस, और जी इसलिए तो बाबा एग्जांपल देते हैं ना, मुरली, अगर आपने जी पढ़ा होगा तो बाबा कहते हैं कि एक्टर ने नाटक को प्ले किया, उसके जी बाद वो वापस अपने ओरिजिनल चीजों में आता है, या उसी रोल को जी पकड़ के रखता है. बाबा इतना सिंपल लैंग्वेज में उसको कहता है. बताता है. जी, लेकिन लेकिन मैंने ये नोट किया इसमें आपके डिस्कशन से कि जब हमारा रोल भी प्ले हो रहा है, उस टाइम भी अगर हम ये अटेंशन देंगे कि मेरी आइडेंटिटी इज डिफरेंट एंड माय रोल इज डिफरेंट, एंड दैट इज उसी व्हाट, टाइम एग्जैक्टली एग्जैक्टली. हाँ, उसी टाइम ये अगर ध्यान रहेगा तो मैं अलग हूँ और मेरा रोल अलग है, ये ध्यान यस, रहेगा. और यही जी यही 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 योग, यही बाबा कहते हैं कि जी चलते फिरते याद है, दैट इज जी स्मृति. और ये जब ये स्मृति हाँ संभालेगी तो हाँ फिर हाँ बाबा के साथ का जो कनेक्शन है वो आसान जाएगा. जी, एक आपने बहुत मतलब चलो निमित्त है आप, लेकिन आज बाबा ने इसके मतलब गहरे में ट्रेवल करा है, इसके अंदर जो हम ट्रेवल कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा मैं थैंक सूझ यू, बूझ भूल गया था, मैं थैंक्स मार्केट टू में घूम रहा बाबा. हूँ, लेकिन मैं कनेक्टेड था तो ओके, मच फोकस था. बहुत थैंक्स दीदी और बाबा को भी थैंक्स. जी सो कमिंग टू दी लास्ट पॉइंट, कि वही याद, वही स्मृति को संभालना है, दैट इज माय रिमेम्बरेंस. और जब ये स्मृति को हम संभालते हैं तो फिर बाबा के साथ की जो कनेक्शन है वो आसान होगी, क्योंकि बाबा के साथ की कनेक्शन हमें क्या देगी? बाबा के साथ की कनेक्शन, जो बाबा कहते हैं याद ही शक्ति है, तो वो शक्ति जो आत्मा ने खोई है, बिकॉज ही इज अ सुप्रीम पावर, वो शक्ति हम बाबा से खींच सकते हैं, तब तक नहीं खींच पाएंगे. और हम दूसरों को देने की बात करते हैं तो ये पॉइंट आई रियली वांटेड टू पुट अप, कि दूसरों को देने से पहले अपने आप को भरो इन सब चीजों से. तो जब भरोगे तो अपने आप वो फ्लो होगा दूसरों की तरफ, वो रिफ्लेक्ट होगा, और आप खाली नहीं होंगे. ठीक
है, इसी के साथ हम स्टॉप करते हैं। जी दीदी, मेरा एक और क्वेश्चन है रिलेटिंग टू कल्पतरु। तो जैसे शिव बाबा से तो हमें ज्ञान गुण शक्तियां मिलती है ना, और जो देवी गुण है वो हमें ब्रह्मा बाबा से मिला है ना। हाँ, आप कह सकते हैं ऐसे अभी के लिए, डजंट जी मैटर। थैंक यू। दीदी आप वापस आना। हाँ जी, थैंक जी एक अभी 1 मिनट साइलेंस रखेंगे। ठीक है ना, यू। हाँ जी, इसके बाद कॉल को समाप्त करेंगे।